तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 12 कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आपको चार पोस्ट के बारे में आज कट ऑफ बताने वाला हूँ, और मैं आपको जो आपने मुझे कमेंट किया उसकी मैं सारी आपको कट ऑफ बताऊंगा। आज मैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कट ऑफ बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको पोस्ट कोड बताने वाला हूँ। तो आज या कल के दिन में मैं आपको सारी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या आप कट ऑफ लेने के चांस बनेंगे। तो जैसा कि सबसे हमारी पहली पोस्ट है वो हम देखते हैं, तो आज मैं सिर्फ आपको लिख के ही बता पाऊंगा, क्योंकि लिख के बताऊंगा तो यानी कि क्योंकि ईमेल बनाता हूँ तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, तो इसका मैं आपको शॉर्ट में आपको लिख के आपको पोस्ट पर आपको पता चल जाएगा कि क्या आप कब रहने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि हम पहले बात करने वाले हैं आपके SR 10-3-24, ये आपकी पोस्ट कोड है 2024 की, जिसमें आपके 2023 की अगर बात करें, 2023 की, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ रही थी जिसमें आपको ओनली UR की वन वैकेंसी थी। कौन सी UR की? आपको ओनली वन वैकेंसी थी जिसमें आपकी कट ऑफ हुई थी 134.51। ये आपके UR की कट ऑफ देखने को मिली थी 2023 में फेज 11 में। और आपकी बार भी आपके जो वैकेंसी है OBC की आपके एक है और आपके UR की आपके दो है। तो इससे यानी कि एग्जाम के लेवल को भी हम थोड़ा देखेंगे क्या आपके कट ऑफ लेने के चांस बनेंगे। तब बार आपके यूआर की दो वैकेंसी है, पिछली बार आपके 134 गई थी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, मैं आपको बता दूं ये आपकी जो पोस्ट है वो आपके स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर Grade 2 की आपकी ये पोस्ट 2024 में। जिसकी हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपके जो लेने के चांस बन सकते हैं वो आपके बनेंगे 130+ के आपके बनने के चांस बनेंगे। क्यों? UR के UR में, क्योंकि आपकी बार जो एग्जाम का लेवल था पिछली बार के मुकाबले मुझे लगता है कि इजी था, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आने के लगभग आराम से यानी कि 75 से 80% आराम से करके आ रहे भी है। और जैसा कि आज की मैंने कल देखा भी है तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये कट ऑफ लेने के चांस बन सकते हैं UR कैटेगरी में। देखो, इसमें एक बात ये भी है, अगर आपके एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप 125 आपके आ रहे हैं, आपके ज्यादा परसेंट यानी कि 95 एक्यूरेसी के साथ अगर आप इतने आ रहे हैं तो आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए आपके 130 आपके आ रहे हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके 15 नंबर आपके बनने के चांस बन सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो 130 तो आपकी होगी और 125 के आसपास आपके OBC में जाने के चांस बन सकते हैं। ये तो आपके पहले पोस्ट हो गए स्टेनोग्राफर Grade 2 के। अभी हम नेक्स्ट बात करें आपके पोस्ट कोड सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन 14-24, ये पोस्ट है जो आपके मेडिकल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। आप आपका पोस्ट कोड देख लेना जिसने भी मुझे पोस्ट कोड कमेंट किया है। जिसकी हम अगर प्रीवियस ईयर आपके कट ऑफ की बात करें तो यानी कि एकदम हलवा कट ऑफ, यानी कि एकदम हलवा कट ऑफ कितनी आप यकीन नहीं करोगे, कितनी OBC की आप कट ऑफ थी 50, कितनी 50 कट ऑफ पे आपने सिलेक्शन हुआ था OBC में CBT 1 में। और यहाँ पे 30 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करने की बात थी, वहां पे सिर्फ 12 स्टूडेंट यानी कि क्वालिफाई करके यहाँ पे कट ऑफ इतनी कम हुई, यानी कि 12 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था इस पोस्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि इस पोस्ट में आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है जिसने इस पोस्ट में अप्लाई किया है, और जिनके पास इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको OBC में आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके ये पोस्ट होगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें आपके, तो नेक्स्ट पोस्ट आपके लेबोरेटरी अटेंडेंस की। वैसे भी लगभग मैं आप शायद इसकी बता चुका हूँ पहले, फिर भी आपको एक बार थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। WR 12-4-24 लेबोरेटरी लेबोरेटरी अटेंडेंस की आपके ये पोस्ट है, जिसमें आपके जो आपके UR की कटऑफ हुई थी और 2023 में आपके सिर्फ आपके एक ही पोस्ट थी, कितनी एक पोस्ट 2023 में, 2023 में आपके सिर्फ एक पोस्ट थी और जहां पे आपके इसकी कट ऑफ देखने को मिलती है 158, तो कितनी 158 आपके कट ऑफ देखने को मिली थी 2023 में। और अब की बार आपके UR की दो पोस्ट है,
यूआर की दो पोस्ट है और आपके एसटी की आपके दो पोस्ट है। जहां तक मुझे लगता है कि आपके एसटी बीच में आपकी वैकेंसी है, तो दो पोस्ट आपके एसटी की और दो पोस्ट आपके यूआर की। तो जिसकी अगर हम कट ऑफ देखें तो 155 के अराउंड, नहीं 150 से 160 के अराउंड आपके यूआर की कट ऑफ रह सकती है 2024 में। 2024 में आपके ये कट ऑफ रहने के चांस बन सकते हैं 150 से 160 के बीच में। और अगर एसटी में अगर बात करें तो एसटी में आपके जो कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे वो बनेंगे आपके 130 के आसपास। हो सकता है इससे आपके लिए 5 नंबर प्लस, यानी प्लस तो चांस कम है, यानी कि माइनस आपके 5 नंबर भी आपके कट ऑफ हो सकते हैं, यानी कि 125 के आसपास भी आपके रहने के चांस बन सकते हैं एसटी की कट ऑफ में। नेक्स्ट पोस्ट अपने यही है, यानी कि सीट पर आपके रीजन अलग है, एमपी 10-5-24, 10-5-24 आपके ये पोस्ट है जो आपके लेबोरेटरी अटेंडेंस की आपका ये पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंस की आपकी ये पोस्ट है जिसमें यानी कि इतना ही होगा क्या, चलो ठीक है देख लेते हैं इसको। कोई नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में आएगा क्या, आएगा आएगा आएगा। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके एमपी एमपी 10 पेन को क्या हो गया, दस पांच चॉइस। तो लेबोरेटरी आपके अटेंडेंस की आपके ये पोस्ट है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे वो आपके बन सकते हैं 145 के अराउंड, 145 प्लस माइनस 5, ये आपके यूआर कैटेगरी में चांस बन सकते हैं। ये एमपी रीजन में 2023 में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, तो जिस कारण आपको ऐसे ही जो अनुमानित जो आप कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो यूआर में आपके 145 से आसपास प्लस 5 माइनस 5। और ओबीसी में अगर बात करें तो ओबीसी में भी आपकी इसकी वैकेंसी है, यानी कि 140 के आसपास आपके इसमें भी आपके रहने के चांस बन सकते हैं प्लस माइनस 5 ओबीसी में। नेक्स्ट पोस्ट आपके एससी की, जिसमें आपके जो कट ऑफ रहने के चांस बनेंगे एक मिनट 125 से 130 के आसपास आपके एससी में आपके कट ऑफ रहने के चांस बन सकते हैं। अगर एसटी में अगर बात करें तो आपके 115 के आसपास प्लस माइनस 5, ये आपके कट ऑफ रहने के चांस। तो ये तो बात होगी जो मैंने आज 4 पोस्ट के बारे में आपको बोला बताई है, बाकी मैं आपको जो नेक्स्ट पोस्ट के बारे में आपको बता दूं, यानी कि जैसे आपने कमेंट तो बहुत सारे किए पर इसमें कुछ आपके ऐसा करता हूँ, मैं आपको कैमरा ओपन करके आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कैमरा को ओपन कर लेते हैं, तो देखो शायद आपको थोड़ा दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा, एक बार आप देख लेना आपको अगर आपको दिख रहा हो तो। ये तो मैंने ऊपर की लगभग 4 पोस्ट बता दिए, बाकी आप अपने कोड देखना, ये जो कोड है ये मैं सारे इनको यहाँ पर लिखा हुआ है, इन कोड के बारे में आपको सारे डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये कोड इन कोड के बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको जानकारी कैसे लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने सारे पीडीएफ सारी जो वीडियो को बना रखी है एक बार जाके पोस्ट कर देखना, अगर आपको वहाँ पे मिल जाती है तो वीडियो को देखना, और अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो मुझे कमेंट आप जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।